तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली ये एक अच्छा सवाल है और ये बच्चे जनरली डाउट में लेके आते हैं। इसमें कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ 0.5 kg, डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 से r2। अब देखो यहाँ पर हम सबको पता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट ए पर था पार्टिकल, और वो किसी भी पाथ से डिस्प्लेस हो गया, पॉइंट बी पे चला गया। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। तो r1 वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, r1 वेक्टर जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इस पॉइंट का, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 4, 3, 2। तो मैं इनको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर यहाँ से लिखूँ r1 पोजीशन वेक्टर, तो आ जाएगा 2i कैप प्लस यहाँ से 3j कैप और प्लस k कैप, ठीक है ना। और जो पोजीशन वेक्टर r2 है मैं उसको लिख सकता हूँ 4i कैप प्लस 3j कैप यहाँ से प्लस 2k कैप, ठीक है ना। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, इनिशियल से फाइनल लाइन मिला देते हैं, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, r2 - r1 ट्राइंगल लॉ लगा दो, r1 प्लस डी वेक्टर का सम किसके बराबर है, r2 वेक्टर के। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो, r2 - r1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से घटाओगे तो 4 में से 2 घटाओगे तो यहाँ से 2i कैप मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे तो 1 कट जाएगा, और प्लस यहाँ से k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब हमें जब पता चल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना है, तो फोर्स वेक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर नहीं दिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 न्यूटन। तो ये मैग्नीट्यूड है, मुझे फोर्स वेक्टर बनाना है, तो मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, समझ रहे ना, एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर जिसकी वैल्यू 1 है और जिसमें कुछ डायरेक्शन एक्स यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ भी, तो ये अब फोर्स वेक्टर बन गया, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हूँ, एक्स वेक्टर मॉड जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है। तो 30 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, लेकिन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन ऐड आ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन यहाँ से ऑलरेडी दे रखा है, इस लाइन में लग रहा है, तो ये जो लाइन है इधर फोर्स वेक्टर लग रहा है। तो अलोंग दिस वेक्टर, इस वेक्टर को मैं बोल देता हूँ वेक्टर एक्स ही नाम दे देता हूँ, इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है, और इस वेक्टर की वैल्यू है i + j + k, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मॉड i + j + k यहाँ से आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई मॉड मतलब 1² + 1² + 1² अंडर रूट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो i + j + k, तो यहाँ से √3 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द एक्स वेक्टर। तो यहाँ से जो फोर्स वेक्टर अब मुझे दिखेगा फाइनली, वो मिलेगा 30, और i + j + k यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और √3, तो ऊपर नीचे √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे रेशनलाइज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ आ जाएगा 10√3 i कैप + j कैप + यहाँ से k कैप, ठीक ना। तो दिस इज द बेसिकली द फोर्स वेक्टर। तो ये अगर फोर्स वेक्टर ये वाली चीज़ है, तो ये आया अपना फोर्स वेक्टर और ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से, तो अब दोनों का डॉट ले लो, ठीक ना। हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर की कितनी वैल्यू है, फोर्स वेक्टर की वैल्यू है i + j + k, और यहाँ से 10√3 और डॉट यहाँ से 2i कैप + यहाँ से k कैप। तो j है ही नहीं, तो j तो चला गया 0, तो इधर आ गया 10√3 i कैप / 2, और यहाँ से अगेन k का आ जाएगा 10√3 i का i, j का j, मतलब ये आ जाएगा 30√3। तो 30√3 जूल दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। मतलब 30√3 मतलब अपना
बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपना जो यहाँ पर बी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।